नमस्ते, मेरा नाम है प्रियंका और आप सभी का स्वागत है प्रियंका ठाकुर फैमिली विलव में। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और हम भी एकदम बढ़िया है। सुबह की शुरुआत हो चुकी है, अभी टाइम हो रहा है 9 o'clock। तो उसके पापा जो है ड्यूटी जा चुके हैं और लक्ष्य जो है जस्ट अभी उठाई है। और देखिए मैंने यहाँ पे क्या दुकान लगाई है, तो यहाँ पे चल रही है पैकिंग। तो मैं जो है बॉक्स पैक कर रही हूँ, जो मेरा एक्स्ट्रा सामान है उसको फेंकना पड़ेगा, ज़्यादा सामान नहीं लेके जा सकते भाई। तो इसको डाल रही हूँ मैं ऐसे पैकिंग करके डब्बों में। तो जो फेंकने वाला है उसको साइड कर रही हूँ, ड्रॉअर वगैरह भी खाली कर रही हूँ, अब ड्रेसिंग टेबल भी खाली कर देती हूँ। इधर बात करो तो अभी तक जो है हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, ये तो जस्ट उठा ही। तो मैं भी इस काम में लग गई कि कुछ करती हूँ, देखती हूँ क्या क्या है, क्योंकि दिन जो है थोड़े ही बचे हैं। तो पैकिंग भी चल रही है, करनी पड़ेगी जल्दी जल्दी से। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं ब्रेकफास्ट, मैं बनाती हूँ कुछ, मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। तो जी अभी हम करने लग गए ब्रेकफास्ट, चाय और ट्रायंगल प्लेन परांठा पिल्लू। तो यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट करके लग गई क्लीनिंग में। तो जाने से पहले भी थोड़ा साफ कर देती हूँ, रहते हैं तब तो हम घर साफ रखते ही हैं, लेकिन ऐसा कई लोग ऐसा करते हैं कि जाना है तो 1 month पहले से ही साफ सफाई छोड़ देते हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, आप इसको घर की तरह समझो कि आप अपने घर को छोड़ के कहीं दूसरी जगह में जा रहे हो। तो घर को भी जो है क्लीन कैसे रखते हैं हम, वैसे ही रखना चाहिए। तो मैं लग गई झाड़ने, तो ये जाली रहती है और बाहर की तरफ से पूरा अच्छे से मैंने दरवाजे वगैरह को साफ़ किया, किचन के, रूम के, बालकनी के। ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट आदमी आए, जब वो आएगा उसको कम सफाई करनी पड़ेगी, लेकिन आप तो कम से कम सफाई करो। तो इसलिए मैं हो गई थी शुरू। तो मेरे मन में ऐसे नहीं आता है कि मैं क्वार्टर में रह रही हूँ तो यहाँ से टूट रहा है, यहाँ से फूट रहा है, कि इसको साफ़ सफाई नहीं करूँ। मेरे को ऐसे नहीं लगता है, मेरे को लगता है कि अपने घर के जैसा है, साफ रखो, सुथरा रखो। और हम साफ सुथरा रखेंगे तभी चीज़ें मेंटेनेंस भी रहती है, घर भी अच्छा रहता है और दीवारें या टाइल या दरवाजे तभी वो क्लीन भी रहते हैं, अदरवाइज़ वो भी गंदे से हो जाते हैं। इतने लोग इनमें रहेंगे क्वार्टरों में, अगर सभी ऐसा करेंगे, गंदगी फैला के चले जाएंगे, तो क्वार्टरों की हालत कैसे रहेगी, तो खंडहर ही जल्दी बन जाएंगे। तो अभी मैंने जो है डस्टिंग पूरी कर ली थी, अब मैं बेड को साफ़ कर रही थी, बेड सेट वगैरह झाड़ जोड़ के लगा दी। तो अब मैं झाड़ू पोछा करूँगी जल्दी से जल्दी। मेरा बेटा तो अभी जो है मेरा बेड सीट भी लग गई है। तो राजू साहब जी जो है लेट गए हैं, जल्दी से लगाती हूँ झाड़ू और पोछा, क्योंकि पूरा डस्टिंग मैंने कर लिया है। तो अभी मैं जल्दी जल्दी से झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। बहुत ज़्यादा घर जो है आफत आ चुकी है, घर में बहुत ही अजीब सा लग रहा है घर को छोड़ते हुए जाना। एक घर को पूरा आप अच्छे से संजो के रखो और फिर उसको ऐसे बिखेरो, देखिए खराब, देखिए हर जगह में सामान फैला हुआ है। चलिए मैं कल लगा लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा सेट कर लेती हूँ इनको, ताकि थोड़ा देखने में इतना बेकार भी ना लगे। बिखरेगा तो है ही, क्योंकि पैकिंग चल रही है, कुछ ये डालना है कुछ वो डालना है, तो सामान चला रहेगा ऐसे ही। तो मैं मिलती हूँ आपको। तो मेरे पास है दो चाबियां, तो यहाँ पे मेरा बेटा जा रहा था ट्यूशन, मैं उसे छोड़ने जा रही थी। टाइम हो रहा था 10:54। तो काम में लगे रहते हैं तो टाइम ही नहीं लगता कि कब छोड़ें और कब लाएं। तो गाइस यहाँ पे मेरा खाना भी बन के रेडी है, राजमा की दाल और चावल। चावल यहाँ पे पक गए हैं कुकर में, और सैलेड भी जो है मैंने कट कर दिया है। तो अभी